हेलो फ्रेंड्स, मुकुश किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ साबूदाना के पराठे की रेसिपी। वैसे तो आप इसे कभी भी खा सकते हैं, लेकिन अधिकतर इसे व्रत के टाइम पे खाया जाता है और ये बहुत कम तेल में और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। आप भी इन्हें जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए बनाना शुरू करते हैं। पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी साबूदाना लिया है। इसे मैंने धो के रात भर के लिए भिगो के रखा था और अब सुबह इनको हमने छान के रखा है और जितना इसका एक्सेस वाटर था वो निकाल लिया है और अब ये अच्छे से फूल गए हैं। अब इसमें मैं 3 उबले हुए आलू कद्दूकस करके मिला लूंगी। आप इसमें आलू मैश करके भी मिला सकते हैं। सारे आलू मैंने कद्दूकस कर लिए हैं। इसमें अब मिलाएंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 हरी मिर्ची मैंने बारीक काट के रखी है, उसे भी इसमें मिला लेंगे और मिलाएंगे 1/2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स। आप दरदरी कुटी हुई लाल मिर्ची पाउडर भी इसमें मिला सकते हैं, 1/2 टेबलस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर। अब व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसमें 1/2 टेबलस्पून सेंधा नमक मिलाएंगे, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर मिलाएंगे और थोड़ा सा अदरक भी इसमें ग्रेट करके डाल देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब मसाला बनके हमारा अच्छे से तैयार है। अब हम इनके पराठे बनाना शुरू करते हैं। पराठे बनाने के लिए हम इस तरह की एक प्लास्टिक शीट ले लेंगे और इसको थोड़ा ऑयल से ग्रीसिंग कर लेंगे, जिससे हमारे जो ये मसाला है इसमें चिपके नहीं। और ये देखिए, हम इतना बड़ा पेड़ा लेंगे जितना हम रोटी के लिए लेते हैं, उतना ही पेड़ा हमने लेना है। और इस पेड़े को हम प्लास्टिक शीट के बिल्कुल बीच में रख लेंगे। अब या तो इसको आप चारों तरफ से दबा के रोटी की तरह बना लें या फिर एक प्लेट ले लें और इस पेड़े को बीच से बिल्कुल दबा दें। देखिए हमारा पराठा कितने अच्छे से चारों तरफ से एक जैसा फैल गया है। अब एक तवा गरम कर लेंगे और पराठे को इसमें डाल के सेक लेंगे। पराठे को हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। ये पराठे हमारे बहुत कम तेल में पकते हैं, इनमें हमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसमें चारों तरफ से हल्का सा तेल लगा लेंगे। अब पराठा एक तरफ से अच्छे से सिक गया है, अब हम इसे पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी हल्का सा दबाते हुए सेक लेंगे और दूसरी साइड भी हल्का सा तेल लगा के अच्छे से सेक लेंगे। आप चाहे तो पराठे घी में भी बना सकते हैं, घी में ये और भी क्रिस्पी बनेंगे। अब पराठा हमारा दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है। ये देखिए पराठा हमारा तैयार हो गया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा पराठा बनके तैयार हुआ है। बस इसी तरह से हम और पराठे भी तैयार कर लेंगे। अब देखिए हमारे सारे पराठे बनके तैयार हैं। ये देखिए कितने अच्छे पराठे बनके तैयार हुए हैं। आप इसे दही के साथ सर्व करिए और इन्हें बना के जरूर खाइए। आपको ये बहुत पसंद आएंगे और इससे आपका पेट भी भरा हुआ रहेगा। बस पराठे बनाते समय आपको ध्यान ये रखना है, साबूदाना आपने पहले से भिगाना है जिससे वो अच्छे से फूल जाए, और बनाते समय इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। आपके पराठे भी बहुत अच्छे बनके तैयार होंगे। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।